किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जय श्री राम बोल के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब डर लगने लग गया है, कोई जय श्री राम बोलता है तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या करेंगे। जय श्री राम का इतना मिसयूज हो रहा है, इतने प्यारे शब्द का, भगवान राम के शब्द का इतना मिसयूज हो रहा है हमारे देश में। मतलब अब डर लगता है जय श्री राम का नारा सुन के। कोई टीका लगा के या भगवा पहन के आता है तो हम डर जाते हैं। जितने प्यार से तू बकचोदी पहन रही है ना मोहतरमा, अगर तेरे से पूछ लिया जाए तो वो एक केस बता दे जहाँ जय श्री राम का नारा लगा के किसी को काटा गया हो, तेरे सारे छेद बंद हो जाएंगे। तुम्हों का छेद खुलता ही इस वजह से है कि तुमको पता है कि सनातन धर्म के ऊपर, जय श्री राम के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो हमको बोलने वाला कहने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपका भाई कनखल वाली हो गया स्पेशल, कुछ आज लेके आए 6 बियर का पैक। भाई कनखल से इतना प्यार मिल रहा था भाई। और तो भाई इनके लिए मैं कुछ स्पेशल सोचा लाने के लिए, और लोकेशन रहने वाली है भाई कनखल रामदेव की पुलिया, और अपना गिफ्ट रख रहे हैं भाई उस साइड। आइए प्यार मिल रहा है भाई साहब को, बहुत ही प्यार। अब थोड़ा सा प्यार हरिद्वार पुलिस को भी दिखाना चाहिए इनके ऊपर। मेरा नाम अंकुर चौधरी है, कल मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सारा लिया था, और वो ड्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज का मालूम नहीं था, और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुंची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में तू कुछ भी बकचोदी करेगा, वो भी हरिद्वार जैसे पवित्र जगह पर, जो बियर जहाँ बांट रहा है, छुपा रहा है लोगों को देने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। वो एरिया ड्राई है, ड्राई का मतलब वहाँ मीट मदिरा मांस सेवन और बिक्री खरीद पर भी रोक है। तुमको पता चल गया होगा कि फॉलोअर्स के लिए बकलोली हर जगह अच्छी बात नहीं है, कभी कभी नुकसान कर जाता है। अगर कुदरत के कहर से किसान की फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई मंदिरों की दान पेटी से की जानी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो भगवान ने किया है ना। हिसाब से तो जिसके घर की नस्ल ही खराब हो जाए तेरे जैसा, तो उसकी भरपाई तो पड़ोसियों से करनी पड़ेगी, क्योंकि मजा आपका मजा तो पड़ोसियों ने ही लिया है ना, तभी तो तू बाहर आया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर मोदी जी ने कुछ अच्छा करा होता ना तो आज उनका भी नाम होता। एकदम जीरो बिल आ रहा है, फिर एकदम ऐसा बिल दे देंगे बिल्कुल धकाधक। कभी नेता जेल में चले जाएंगे, कभी नेता जेल से। लेकिन एक बात तो बताओ, नेताओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो ये तो केजरीवाल जी को देखना चाहिए ना। तो ये तो मोदी प्रधानमंत्री है ना, ये तो मकान मालिक को देखना चाहिए ना। लोग होते हैं असली सपोर्टर, कट्टर सपोर्टर केजरीवाल के, बूंद बूंद को तरस रही है दिल्ली, ये लोग भी तरस रहे हैं, पानी नहीं है इनके पास। लेकिन ना, केजरीवाल की बुराई करी जा नहीं सकती, यहाँ भी मोदी की गलती है। पता है कि हमारा सीएम जेल के अंदर है, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, लेकिन वो उसके खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बोलेंगे। वैसे खुगुरु सेठ से आया, इसको तो भेल मिलने वाली थी। कोई एक केजरीवाल अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे चोर जेब कतरे और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी रिहाई साथ साथ होगी। जेब कतरे और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी रिहाई साथ साथ होगी। सरकार महोदय, इतना भी सच नहीं बताना चाहिए था, इतना भी अंदर का बात नहीं बताना चाहिए था कि चोर उचक्को जेब कतरों के साथ केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल बाहर आएगा, साथ में वो चोर उचक्के बाहर आएंगे, तो दिल्ली वालों का क्या होगा? बेचारे वो लाइन में लगेंगे सुबह से पानी के लिए कि अपना घर बचाएंगे। केजरीवाल तो धरने की पॉलिटिक्स से ही सिस्टम के अंदर आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो आए, और उस समय जब वो बड़े बड़े पानी को लेकर वादे करते थे कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं, दिल्ली में पानी की चोरी की कमी है, टैंकर माफिया का नाम वो लेते थे, अंडरग्राउंड वाटर की लीकेज की वो बात करते थे। अगर उस समय की वो बातें सही हैं तो केजरीवाल जी को पिछले 10 सालों पे इन इश्यूज पे काम करना चाहिए था, जबकि खुद पीछे एक रिपोर्ट आई कि उनका MLA टैंकर माफिया में इन्वॉल्व है। आज तक कितने FIRs उन्होंने रजिस्टर कराई, कितने अंडरग्राउंड पाइपलाइन को उन्होंने लीकेज को ठीक करा। केवल और केवल जब उनकी विफलताएं लोगों के सामने आ गई हैं तो अपने आप को सरेंडर ये लोग धरने के नाम पे कर रहे हैं। इन कांग्रेसी नेता को कोई प्यार से जाके बताए समझाए कि अभी गठबंधन में है, अभी तलाक नहीं हुआ है केजरीवाल से, हमें लगता है कि इनके साथ कोई तफरी ले लेता है। इनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तफरी लेता है ये वाला वीडियो भेजकर। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई, और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को।
कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया साइन करा दिया फाइलों पे। ये वाला क्लिप को देखकर कांग्रेसी बौखला जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो शुरू कर देते हैं केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाना। वो आपा खो बैठते हैं, चुनाव के पहले ही शुरू हो जाते हैं। अरे चुनाव के बाद तो शुरू होना ही है, उसके बाद तो आपा खोना ही है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन नहीं, अभी ऐसे चालू हो जाते हैं क्लिप देखने के बाद। वैसे एक जगह इनको प्रॉपर याद रहता है, किसी यूट्यूबर के टिप्पणी से ये ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसको कर्नाटक से भेज देते हैं उत्तर प्रदेश अरेस्ट करने के लिए। इन्हें लगा कि बस हम चढ़ जाएंगे, धमका देंगे, तीन पुलिस वाले आ गए, बीवी बच्चे वाला आदमी है, डर जाएगा। और तो और ये धोखेबाज भी है ना, ये चिरकुट जो नेता लोग होते हैं, छुटवइये नेता, वो इस तरह के इंटिमिडेटरी टैक्टिक, उनको लगता है कि अजीत भारती पे केस करेंगे तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे, राहुल गांधी की छवि और हम दिखाएंगे कि हमने देखिए ये कर दिया था। क्लिप कटुआ जो है, जिसका काम है क्लिप काट करके उल्टे सीधे काम करने का, तो वो जो है उसको सोशल मीडिया पे डालता है और उसको तो कर्नाटक के मंत्री सलामी ठोकते हैं, यस चीफ, विल डू चीफ करके। हाँ, यूपी पर इसका तारीफ बनता है कि वो इस अवैध गिरफ्तारी पर रोक लगाई, रोकी और अपने साथ कर्नाटक पुलिस को लेके गई और अब उनसे पूछताछ करेगी। चचा, ओ चचा, वर्दी ही पहने हो या फिर इसके आसपास का ज्ञान है, कानून का कुछ ज्ञान है कि किसी दूसरे स्टेट में किसी को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। दिलावर जी, आप राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से देश में मेडिकल की नीट परीक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल एनटीए की भूमिका के ऊपर हो रहे हैं, केंद्र सरकार योग ही योग, योग महर राजस्थान, जिस तरह से देश पूरा विश्व, सर आपको लगता नहीं क्या कि जांच जो है वो सरकार की विश्वसनीयता योग में हो रहा है, योग में, एनटीए की भूमिका पूरा योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। नेताजी को तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा कि नीट में चीट ये सब होता क्या है, सब योगामय है। उनको भी पता है कि पेपर आते जाते रहेंगे, मंत्री तो एक ही बार बनना है, एक बार लीक होता है फिर लीक होगा, बार बार रीपेपर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलता रहे। कहाँ जा रहे हो? मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ भैया। आज क्यों जा रहे हो? अगले डेट को जाओ। अरे आज एग्जाम है तो अगले डेट को क्यों जाएंगे यार? समझा नहीं, बच्चा है ना। अरे आज एग्जाम देने जाओगे तो पक्का उसका पेपर लीक होगा और कल वो पेपर रद्द हो जाएगा और परसों नया डेट आएगा, तो उस डेट में फिर से एग्जाम देने जाओगे ना? एक बार उसी डेट पे जाओ ना, आज क्यों जा रहे? छात्रों का जीवन एकदम ड्रामा बन गया है, हम जा रहे हैं। इन लोगों ने पूरा शिक्षा का मजाक बना के रख दिया है। एक बार नेता मंत्री बन जाते हैं, इनका तो 5 साल के लिए पक्का हो गया कि इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, बाकी तुम लोग पेपर खेलते रहो। मान को नौकरी मिल रहा है मुझे, अभी मैं बीए करा हुआ, मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं कपड़े का दुकान में काम कर रहा हूँ। क्या मोदी में क्या है? मोदी पूरा देश का दंगा बजा रखा है, मोदी बीजेपी कुछ नहीं है भाई, राहुल गांधी को वोट दो सबसे नौकरी मिलेगा, सबसे बढ़िया है। नौकरी का मतलब क्या होता है आप लोगों की नजर में? सरकारी जॉब्स, बीए करके रोड में घूम रहा, कपड़े का दुकान में काम कर रहा है, यही हाल रहे पेपर लीक के, तो आने वाले समय में बीए की डिग्री सबसे बड़ी डिग्री मानी जाएगी, क्योंकि कभी सुनने को नहीं मिला कि बीए में भी पेपर लीक हुआ हो। वैसे बेटा तू बीए किया है, कपड़े की दुकान पे काम कर रहा, तेरे लिए मैं बात करता हूँ, एसपी डीएसपी की कहीं पोस्ट खाली हो तो मैं बात कर लेता हूँ। अभी देखा जाए पंजाब में भी, दिल्ली में आए हुए पंजाब का आदमी, तो उनको भी 2 आदमी को मारा गया है। हाँ, किसका हाथ था? मोदी जी का हाथ था। मोदी जी का हाथ कैसे था, क्या किया जाए, ये कहाँ से सबूत मिल गए? अरे अब हम भी न्यूज़ देखते हैं, क्या किया जाए। न्यूज़ में बोल रहे हैं ये लोग कि मोदी जी ने मरवाया है? जी हाँ, बोले थे। कौन से न्यूज़ पे? अरे ये न्यूज़ नहीं मालूम, इतना पढ़े नहीं है हमने, सुना है एक दूसरे से, जैसे आप लोग हैं। टोपी बाज आरोप लगाने के पहले स्क्रीन शॉट वो सोर्स रख लिया कर, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। पुलिस आएगी जब तोड़ेगी, तब ये जो पड़ोस में तुमने सुना है वो सब काम नहीं आएगा। इस प्रकार की घटिया बयानबाजी से बचो, काम धंधा करो, राशन भी आने वाला होगा उसको ले लो। मोदी जी अभी शायद घर वर देने की बात कर रहे हैं, वो भी आएगा, टेंशन मत लो, ये बकचोदी मत करो। मोदी जी को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसीलिए कांग्रेस को वोट डाल के आई हूं। इतना केयर करती है मोहतरमा मोदी जी की, कि बेचारे मोदी जी को काम ना करना पड़े तो ये कांग्रेस को दे के आ गई। इस हिसाब से तो अपने मियाँ की मोदी जी से दोगुना प्यार करती होंगी, को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए सारी मेहनत ही अपने पड़ोसियों से करवाती होंगी। जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्षिता का, उसकी ओएमआर शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो उसका स्कोर दिखा उसे 308, 80 मार्क्स का डिफरेंस। सर
समझ सकता हूँ टट्टी बेटा, समझ सकता हूँ, होता है ऐसा। जब कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप से उठाए जा रहे हों या फिर किसी दूसरे के हाथों भेजे जा रहे हों तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन बेटा टीम, इतनी बड़ी टीम रखने का क्या फ़ायदा कि वो जोड़ घटाव में थोड़ा अंतर ना कर पाए। छोटी छोटी गलती करोगे तो बेचारे युवा क्या करेंगे, उनका ब्रेन वॉश कैसे होगा, कैसे आएगी डिक्टेटरशिप। तो एक दिन पहले केजरीवाल को लगभग बेल मिल ही चुकी थी, लेकिन सब पोपट हो गया। तो कहते हैं देखो बहुत हो गया, अब एक आध महीने के लिए छोड़ देना चाहिए केजरीवाल को। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, केजरीवाल उनको सामने दिख जाए सारा पानी निकाल लेंगे, बहुत प्यासे हैं लोग। हाँ। एकदम महाबेहाया है वो। हाँ। कोरोना तो कह रहे कि जनता इंतजार कर रही है बस बाहर निकलने का, जनता इंतजार कर रही है उसके मरने का, जनता मरने का इंतजार कर रही है भाई साहब। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के माध्यम से, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़े मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।